तो बात है फर्स्ट सेंचुरी एडी की, जब गांधार के राजा जयपाल को धोखे से हराने के बाद में गजनी ने गांधार को भी अपने अंडर कर लिया था। और गांधार के बाद में अब वो चाहता था कि वो बुंदेलखंड पे राज करे, लेकिन बुंदेलखंड पे शासन था चंदेल डायनेस्टी का, जो कि महाभारत कालीन चंद्रवंशी क्षत्रिय राजाओं के वंशज थे। लेकिन इन सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए मोहम्मद गजनी ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस टाइम के चंदेल डायनेस्टी के राजा महाराजा विद्याधर को एक संदेश भेजा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस्लाम कबूल कर बुंदेलखंड हमारे नाम कर दो, नहीं तो मारे जाओ। इसका रिप्लाई देते हुए विद्याधर जी ने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, पर अब मैं तुम्हें मिट्टी में मिलाकर ही दम लूंगा। जिसके बाद में बुंदेलखंड की सीमा पर ही महाराजा विद्याधर और उनकी चंदेलों की सेना के साथ में युद्ध होता है गजनी और उसकी सेना का। गजनी मैन पावर में तो बहुत आगे था, गजनी के पास में एक बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन फिर भी चंदेलों ने उन्हें इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि शाम होने से पहले पहले ही महमूद गजनी महाराजा विद्याधर के चरणों में था। उसने महाराज विद्याधर से संधि का प्रस्ताव भी रखा। संधि को एक्सेप्ट करते हुए महाराज विद्याधर ने उससे एक चीज मांगी, उसके सिंध से लेकर पंजाब तक जो जो उसने राज्य धोखे से हड़पे थे उन सबको इन रिटर्न मांग ले।